हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का एक नवलगढ़ के लिए उन्होंने एक सपना देखा है। उस सपने में ये हॉस्पिटल भी उसी सपने में आता है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके 9 करोड़ की लागत से बिल्डिंग खड़ी की और उसमें हर सुविधा उन्होंने देने का, जैसे डायलिसिस मशीन हो, जो भी इक्विपमेंट है, उन्होंने जिस तरह से मेडिकल टीम की डिमांड रही उसी हिसाब से उन्हें तुरंत प्रभाव से उन्हें मतलब प्रोवाइड करवाया। और आज जो कल घोषणा हुई है इस हॉस्पिटल की, उप जिला अस्पताल के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 200 विधानसभा में एक अकेले हमारे आदरणीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा है जो अपने नवलगढ़ के क्षेत्र के बारे में इतना सोचते हैं, चाहे वो अब उनके लिए हर कार्य जो नवलगढ़ के लिए, नवलगढ़ के विकास के लिए जो है, और उन्होंने खास करके जब से वो विधायक बने हैं 16-17 सालों से, उन्होंने यही दो चीज़ों पे ज़्यादातर दौड़ दिया है, शिक्षा और मेडिकल पे। और वो उनका जो सपना है कि नवलगढ़ का जो व्यक्ति है, जो मरीज है, वो न कि सीकर जाए ना जयपुर जाए, वो हर सुविधा इसी हॉस्पिटल में उन्हें प्रोवाइड कराए। और हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमें ऐसे एक विधायक के नीचे काम करने का मौका मिल रहा है जिसे जनता अपने पलकों पर बिठा के रखती है और अपने क्षेत्र के लिए वो इतना सोचते हैं और उन्हें दिन रात उनकी मेहनत करते हैं। और मैं तहे दिल से, मेरी पास से टीम और पूरी जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और आभार करता हूँ। नवलगढ़ के अंदर उप जिला हॉस्पिटल बनने के लिए मैं पहले तो हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को नवलगढ़ की जनता की तरफ से और पूरे शेखावट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और साथ में हमारे CM आदरणीय अशोक जी गहलोत जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने जो भी हमारे विधायक जी कहते हैं वो काम करते हैं, तो ये हॉस्पिटल ही नहीं, चारों में सड़कों के लिए भी विधायक ने लेकर आए हैं। तरह तरह से पूरी नवलगढ़ की जनता ने नहीं, आस पास में सभी को खुशी की लहर है। गरीब आदमी पहले दूर जाते थे, अब नवलगढ़ के अंदर आएंगे आस पास के लोग, तो इसके लिए बहुत ही बहुत बधाई के पात्र है। हमारे विधायक का तो काम ही यही है, केवल 24 घंटा अपने क्षेत्र के लिए लगे रहते हैं, हर सुविधा की कोशिश करते हैं कि नवलगढ़ की जनता को कोई भी तरह की तकलीफ नहीं हो। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये जनता की दुआ है। हमारे विधायक इसीलिए हर साल डबल वोटों से जीतते रहते हैं, तो ये है कि लोगों की दुआ है साथ में विधायक जी के। तो मैं कहता हूँ ऐसे काम करते रहे, बहुत बहुत बधाई देता हूँ विधायक जी को, पूरी नवलगढ़ी जनता। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो राजकीय सामान्य चिकित्सालय नवलगढ़ था, इसको कर्मोन्नत करा के इसका नाम उप जिला अस्पताल नवलगढ़ हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जो करवाया है, इसके लिए मैं चिकित्सा विभाग की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस उप जिला अस्पताल के बनने से इसके बेडों की संख्या भी बढ़ेगी और विधानसभा में आपने देखा कि हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी लगातार 200 बेड का इसको करने के लिए प्रयासरत हैं और वो जल्दी ही इस अपना जो मिशन है इसमें कामयाब होंगे। और इसकी सुविधाएं आम आदमी के लिए उन्होंने जो प्रतिबद्धता दिखाई है कि जो जो उन्होंने बोला है आज तक वो उन्होंने करके दिखाया है। जब भी इन्होंने कोई घोषणा करी है तो उस घोषणा को 1 साल 6 महीने जितना भी समय लगता है, लेकिन उस घोषणा उन्होंने पूरी की है। इसी क्रम में ट्रोमा सेंटर देख लो आप, यहाँ की डायलिसिस यूनिट देख लो, अपने ज़िले की सबसे अच्छी डायलिसिस यूनिट अपने पास लगी हुई है। इसके अलावा अपने पास में सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, दो दो निश्चय तक बेहोशी के डॉक्टर, जहाँ एक एक भी अवेलेबल नहीं है, अपने पास में 2 एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और ICU वगैरह ये संचालित करने के लिए पिछले दिनों उन्होंने मीटिंग रखी, उसमें संचालित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे। उस क्रम में PMO साहब से मेरी बात हुई, लगातार काम चल रहा है, जल्दी वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन का जो काम है वो पूर्ण हो चुका है, सप्लाई शुरू हो चुकी है। तो इस तरह की मतलब गिनाने के लिए तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी मोटी बात यही है। बाकी जो चिकित्सा ढांचा यहाँ नवलगढ़ के अंदर उन्होंने पिछले 10 सालों में दिया है, उस प्रबल ढांचे में एक नया आयाम इन्होंने ये उप जिला अस्पताल देकर नवलगढ़ की जनता के लिए एक बारिश होगा। हम तो ये कहना चाहते हैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार है और ये तो एक शुरुआत भर है। अभी आने वाले टाइम में और कितनी ही सुविधाएं नवलगढ़ की आम जनता को मिलने वाली है, इसका लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और उप जिला अस्पताल बनना हमारे लिए और पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके बनने से जो सुविधाएं हैं उनमें विस्तार आएगा, लोगों को वो सब सुविधाएं मिलेंगी जिनके लिए उनको नवलगढ़ से बाहर जाना पड़ता है, तो आम जन का एक ठहराव भी होगा, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं भी उनको मिलेंगी और लोगों को लगने लगेगा कि हाँ अब नवलगढ़ में भी चिकित्सा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, एक चिकित्सा की बेहतरीन सुविधाएँ यहाँ भी उपलब्ध हो रही हैं।
तो एक अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है सबके लिए। खुशी का माहौल तो हमारे नौलगढ़ विधानसभा में हर एक दो महीने से चलता ही रहता है। जैसा कि संपूर्ण राजस्थान में राजस्थान के शेर के नाम से जाने जाने वाले हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, जो विकास का एक दूसरा नाम है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी विकास की बात आती है वहाँ हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। और एक बड़ी सौगात जो हमें बजट सत्र के दौरान मिली है उपजिला अस्पताल को लेकर, तो हमारे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो ये सौगात लेकर आए हैं हमारे लाडले विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से, जो हमेशा विकास को एक नया आयाम देने के लिए, अपने नवलगढ़ का एक नया लुक देने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और वही आज हम सेलिब्रेशन में